जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है और हम जानेंगे कि मोबाइल कंप्यूटिंग का आपके लिए क्या यूज है और आप किस तरीके से इसका यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये मोबाइल कंप्यूटिंग होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मोबाइल कंप्यूटिंग है ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके आप अपने दो अलग अलग डिवाइसेस में अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरलेस तरीके से। यानी कि किसी भी तरीके का आपको कोई भी OTG कनेक्टर हो गया, USB केबल हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका वो जो डेटा है वो आपकी कोई वीडियो फाइल हो सकती है, आपकी कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि जितने भी तरह के फाइल्स हैं उन सभी का ट्रांसमिशन या फिर उन सभी को आप एक से दूसरे डिवाइस में वायरलेस तरीके से मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू भेज सकते हैं। दोस्तों आज के समय में अगर मोबाइल कंप्यूटिंग की हम बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण है आपके हाथ में जो आपका मोबाइल फोन है, जो आपका स्मार्टफोन है वो। जी हाँ दोस्तों, आज आप अपने स्मार्टफोन की हेल्प से किसी भी जगह पर कोई भी डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसी भी डेटा को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। आप किसी को भी चाहें उसको मैसेज कर सकते हैं, उसको कोई फोटो वीडियो कोई ऑडियो भेज सकते हैं और किसी से भी चाहें उस कह सकते हैं डेटा को आप अपने पास रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर जो भी डिवाइसेस इस फीचर को सपोर्ट करते हैं उन सभी को हम मोबाइल कंप्यूटिंग कैटेगरी के अंदर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन के अलावा आपके जो लैपटॉप्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। दोस्तों इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, इसका यूज़ क्या है और कहां पर इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे, इससे कुछ नॉलेज मिले तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।